नमस्कार, देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। भारत लॉकडाउन है, ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन गरीब मजदूर दिहाड़ी करने वाले लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन विपक्ष भी ऐसे में बैठा हुआ नहीं है। हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र यानी महुआ में जनसेवा श्रृंखला बनाएंगे और लोगों को मदद करेंगे, इस पर निगरानी भी रखेंगे और वो 10 लोगों को अपने विधानसभा क्षेत्र के जो 10 सबसे गरीब लोग हैं उन्हें गोद भी लेंगे। ऐसे में उनका एक वीडियो उन्होंने खुद शेयर किया फेसबुक पेज पे, काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि तेज प्रताप यादव किस तरीके से वीडियो कॉल करके लोगों से उनका हालचाल पूछ रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, लॉकडाउन का मामला है, ऐसे में क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल का सहारा लिया है। आप देखिए तेज प्रताप यादव कैसे बात कर रहे हैं। हाँ तो आज मिल जाएगा आप लोगों, आज व्यवस्था आप लोगों हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक ठीक ठीक, वो डिटेल आप भेज दिए थे, हम भेज दिए हैं, वो भी ट्वीट हो जाएगा। ठीक है, आपको हमारा मेरा ट्वीट से आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ तो अभी और जो 20 लोग जो हैं, और जो 20 लोग आपके हैं मित्र लोग, हाँ तो और जो 20 लोग हैं ना, मिल जाएगा उनको, शाम तक व्यवस्था हो जाएगा। ठीक, इनको कमर में प्रॉब्लम है, चल फिर नहीं कर पा रहे हैं, क्या दुखता रहता है, साइड हो करो, मिले या वो है कभी कभी 12-1 बजे कभी ये पूछा कि सर इनका कहना है कि खाना मिलता है लेकिन सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, चल फिर नहीं कर पा रहे हैं। इनको आपके आपके द्वारा दिया गया 500 रुपया इनको हम दे दे रहे हैं अभी। हाँ हाँ, यहाँ पर इनके परिजन कौन है, इनके पोता होगा ना, हमें तो बगल का है, ये लोग बगल निकले हुए हैं। प्रणाम। नहीं मिला जी जी, तो फिर है ना, इकाई मीटर का दूरी बना ना, तो देख के बोलते हैं यहाँ से। कल फिर सर बात करा देंगे, वो लोग क्वारंटीन सेंटर पर घूमने चल निकल गए थे, उनका टीम, उनका टीम जो है ना 26 को क्वारंटीन सेंटर बना है, वहाँ भ्रमण के लिए निकल चुके थे वो लोग। नहीं है, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है सर, जी तो कल 10 बजे बुलाए हैं वो लोग, हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, आपने देखा किस तरीके से ऑनलाइन मदद कर रहे हैं लोगों को तेज प्रताप यादव। पिछले दिनों उन्होंने ऐलान किया था कि वो जन श्रृंखला, जन सेवा श्रृंखला बनाएंगे और आज उसका दूसरा दिन है। ऐसे में तेज प्रताप यादव वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो बेहद गरीब हैं
वैसे लोग जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने के लिए कोई साधन नहीं, ऐसे में उनके लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं, वीडियो कॉल से उनका हालचाल भी ले रहे हैं, उनके तमाम साथी जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उनकी बात वो करवाते हैं तेज प्रताप यादव से। तेज प्रताप यादव का ये अंदाज बेहद खास है, ऐसे में चर्चा का विषय भी वो बने हुए हैं। बहरहाल लॉकडाउन से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप तक सबसे पहले हम आपको पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।